खतरे के निशान पे पहुंची सरयू नदी। एसडीएम हरैया ने कटरिया के पास किया निरीक्षण। आपको बता दें कि एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र ने सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के कटरिया में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ के स्थिति का जायजा लिया है। इस मौके पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर नदी का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसकी सूचना मिलने के बाद एसडीएम हरैया लगातार बंधे पर पहुंच रहे हैं और बाढ़ की निगरानी करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर लगातार चौकसी बरती जा रही है। बाढ़ खंड के अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी भी की जा रही है। इसको लेके उन्होंने बाढ़खंड के अधिकारियों को निर्देश दिया है तथा बंधे के दक्षिण बसे गांव के लोगों से भी सतर्क रहने के लिए अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को सतर्क किया गया है, सभी कर्मचारियों को लगा दिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एसडीएम हरैया। पानी छोड़ा गया, ऐसे में जो है नदी का जलस्तर तेजी से कल बढ़ेगा, ऐसे प्रशासन की तरफ से क्या मतलब ग्रामीणों को मदद किया गया? अभी हमारी का निर्देश है कि जो भी बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो बाढ़ चौकियों पर अलर्ट हो जाएं, और चूंकि जो पानी डिस्चार्ज हुआ है उसके वाटर लेवल बढ़ रहा है, हम लोग बाढ़ विभाग के लगातार संपर्क में हैं और बाढ़ विभाग भी अपनी चौकी कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बीडीओ साहब कप्तानगंज और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो है कटारिया तटबंध पर हैं। हमारा एक गाँव सूखा बाबू है, सूखा बाबू गाँव के चारों तरफ पानी भर गया है और आने जाने के लिए जो है नावें की आवश्यकता है, वो हमने डिप्लॉयड करा दिया है नाव। और दूसरी बात यह है कि अभी डीएम महोदया का ये भी निर्देश है कि अगर वाटर लेवल इसी तरह बढ़ता जाएगा तो जो ग्रामीण है उनके लिए हम लोग जो है रेस्क्यू भी कराएंगे और आने वाले समय में इनके लिए राहत सामग्री का भी वितरण होगा। ये सभी व्यवस्थाएं हम लोग करा लिए हैं और हम लोग कांस्टेंट वाच डोज कर रहे हैं और वाटर लेवल का जो डिस्चार्ज हुआ है उससे एक फीट पानी अभी और बढ़ने की संभावना है और ये भी उम्मीद है कि वाटर लेवल और भी डिस्चार्ज होगा, तो उसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पर जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं जैसे सुविधा बाबू और टंडवा, ये दो ऐसे हमारा मौजे हैं जहाँ पर सबसे पहले पानी भरता है। इसमें सुविधा बाबू में पानी आ गया है चारों तरफ से, तो उसके मद्देनज़र यहाँ प्राइमरी पाठशाला जो कटारिया है और प्राइमरी पाठशाला विष्णुदासपुर है और ये क्या कहते हैं इस पर हम लोग बाढ़ चौकियाँ अलर्ट कर दिए गए हैं। और दूसरा टंडवा प्राइमरी पाठशाला है, ये हमारा मेजर सेंटर रहेगा, इस पर भी जो है हम बाढ़ राहत केंद्र स्थापित कर रहे हैं और सभी ग्रामीणों की सुविधाजनक सुविधा के लिए माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश है राहत कार्यालय से, जो हमारा राहत और कार्यालय के निर्देश है, उसका अच्छा सा हम लोग यहाँ पर पालन करा रहे हैं। और जानवरों के लिए भी हम लोग मुक्त सूची के साथ कर इस बात किए हैं, उसके लिए भी आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर तुरंत जानवरों के लिए चारा और भूसा व्यवस्था होगी। सर हर साल जो है समस्या बनी रहती है सुविधा बाबू के लिए, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं और कहते हैं मतलब अगले साल ये हो जाए, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए इसमें सबसे मेजर है इनका जो गांव से और ये बंधे से जुड़ने का जो मार्ग है, इस पर जो है काफ़ी विचार विमर्श हुआ है और प्रक्रिया में उच्चाधिकारी के स्तर से संज्ञान में है और इनके स्थायी समाधान का भी प्रयास उच्चाधिकारी स्तर से किया जा रहा है।